एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा, इसका ये पार्ट टू है। एक्सेप्शन मारते हैं रन टाइम एरर को एक्सेप्शन बोलते हैं। ये एक्सेप्शन में चैप्टर में हम ये दो टॉपिक अभी पढ़ेंगे, हैंडलिंग मल्टीपल एक्सेप्शन, एक से ज़्यादा एक्सेप्शन को हैंडल करना, और दूसरा इनवैलिड इंडेक्स एक्सेप्शन को हैंडल करना। इनवैलिड इंडेक्स एक्सेप्शन कब आएगा? जब हम एरर के प्रोग्राम कर रहे हैं, जब तो हमें इंडेक्स यूज़ करना पड़ेगा, जब इंडेक्स इनवैलिड हो तो जब ये एरर आएगा। तो ये दोनों का एग्जाम्पल पहले बताऊँगा, उसके बाद मैं नोट्स पढ़ाऊँगा आपको। देखिए यहाँ एक प्रोग्राम दिखाई दे रहा है, तो ट्राई ब्लॉक में कुछ कोड लिखे हुए हैं। हम ट्राई ब्लॉक में कोड कब लिखते हैं कि जब तो कोई कोड में एरर आने का शक रहता है, तो तब हम ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। तो अब हमको शक क्यों आया? देखिए ये 8/a ऑफ 0 हो रहा है, कहीं डिनोमिनेटर 0 होगा तो एरर आ जाएगा, वो रन टाइम एरर है, क्योंकि वो सिंटैक्स एरर नहीं है, कंपाइलर उसको ध्यान नहीं देगा, तो ये रनिंग में ही एरर आएगा। ये क्योंकि ये ऑफ 0 में अभी क्या है, 1 है, तो अभी तो एरर नहीं आएगा, पर यहीं उसमें 0 रहता तो एरर आने का चांस था, तो एरर आ गया ही समझो। तो कंपाइलर क्या करेगा, तो कंपाइलर क्या करेगा अभी, तो ये एरर का टाइप को बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन। वो एरर का टाइप क्या है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो कंपाइलर अभी एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, वो ऑब्जेक्ट का टाइप भी अरिथमेटिक एक्सेप्शन होगा। देखिए एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए उनके एक्सेप्शन क्लासेस होते हैं, हर एक्सेप्शन को एक रिलेटेड क्लास होता है। तो अभी ये एरर का टाइप क्या है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब जावा क्या करेगा? वही टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, वो ऑब्जेक्ट के पास वो रिलेटेड वो एरर का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूरा रहेगा, वो ऑब्जेक्ट बना के थ्रो कर देगा। तो आपको मालूम है ऑब्जेक्ट माने क्या होता है, उसके अंदर वेरिएबल होते हैं, उसके अंदर फंक्शन होते हैं, तो वेरिएबल के अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। वैसा एक ऑब्जेक्ट बना के, अपने से एक ऑब्जेक्ट बना के, अपने से उसको इनिशियलाइज करके वो ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देता है। तो किस सी काट होता है, कैच सी काट होता है। अब यहाँ देखिए दो कैच है, एक ट्राई को कितने भी कैच हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ एक कैच है, यहाँ के को से कैच सी वो काट होगा, ये कैच सी पहला वाला कैच सी, क्योंकि वो एक्सेप्शन का टाइप था अरिथमेटिक एक्सेप्शन। JVM ने वही टाइप का ऑब्जेक्ट बना के थ्रो किया है, तो ये टाइप का पैरामीटर जिस कैच का है तो वो कॉल होगा, वो ऑब्जेक्ट थ्रो किया, वो ऑब्जेक्ट इसमें आएगा, ई में आएगा, क्योंकि इसका टाइप अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। ये देखने में फंक्शन जैसा लग रहा है, मगर इसको फंक्शन नहीं बोलना है, कि इसको बोलना है कैच ब्लॉक। ये ट्राई ब्लॉक है, कैच ब्लॉक है। कंट्रोल में ये इफ ट्राई में एरर आते ही कंट्रोल कैच को आ जाएगा। कैच में क्या करेंगे, कैच में क्या कोड रहता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड। अब क्या चाहते हैं, अब एरर आने से ना यहाँ को आया, वो भी कोसा एरर, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आने से ना यहाँ को आया, तो अब क्या करना चाहते हैं करिए। मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, जस्ट मैसेज डिस्प्ले कर लेना चाहता हूँ, कर लिया। आप करना चाहेंगे तो ये आप जीरो का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कहीं इसके अंदर जीरो है तो ये आप जीरो का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, फिर बाई कर सकते हैं, डिस्प्ले कर ले सकते हैं आप। तो आप कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। कैच के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड रहेगा। तो ट्राई में एरर आते ही कंट्रोल रुक जाने से बढ़िया है कि कैच को आया, कैच के बाद कैच में हमें उसे सुधार लेंगे कि उसका कोड हम चेंज कर लेंगे, और उसके बाद कैच के बाद जो कोड यहाँ पे रहता है वो कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता जाएगा, कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता जाएगा वो। तो रुकने का सवाल नहीं है। ट्राई कैच यूज करके एक्सेप्शन हैंडलिंग को हमें, देखिए एक्सेप्शन को रन टाइम एरर्स को कैसे हैंडल कर रहे हैं, रुक तो नहीं रहा है। जनरली रन टाइम एरर्स को प्रोग्रामर रुक जाते हैं, ये रुक तो नहीं रहा है, ट्रांसफर हो रहा है कैच को। कैच में आप लिख लीजिए कोड कि एरर आने से क्या करना है आपको, उनका वैल्यू चेंज करो, फिर कोड लिख लो। अच्छा अभी तो एरर तो नहीं आया है, ये अब जीरो में तो वन रहने की वजह से एरर नहीं आया, जीरो रहता तो एरर रहता था। अब 8/1 हुआ तो कितना हुआ, बी में 1 आया। अब यहाँ देखो ये ऑफ 8 बोल के पढ़ना है कि बी में क्या आया, 8/1 8 आया होगा, तो बी के अंदर 8 है। ये ऑफ 8 क्या है, ये ऑफ ये ऑफ जीरो में ये है, ये ऑफ 2 में ये है, ये ऑफ 3 में ये है, ये ऑफ 0, ये ऑफ 1, ये ऑफ 2, ये ऑफ 3, ये ऑफ 4 लास्ट है, ये ऑफ 8 कहाँ से वैल्यू है इसके अंदर, इसे बोलते हैं इनवैलिड इंडेक्स। ये इनवैलिड इंडेक्स हो गया है, तो इसे ये भी रन टाइम एरर है ये, क्योंकि कंपाइलर को क्या पता चलेगा बी में क्या वैल्यू रहेगा रनिंग में उस वक्त। तो या बी यहाँ पे आपने बी 8 है, इनवैलिड इंडेक्स है वो। वैलिड इंडेक्स क्या है, 0 से लेके जितने एलिमेंट है उसके 5 है, तो 5 - 1 कितना 4, 0 to 4 उसके वैलिड इंडेक्स है। तो यहाँ आप 8 यूज कर दिए हैं, या फिर ये इनवैलिड इंडेक्स है। अब JVM क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बना के थ्रो करेगा, कोसा ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो वो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन बोलते हैं इसे। ये एरर को क्या बोलते हैं, एरर का टाइप क्या है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अब वही ऑब्जेक्ट बना के थ्रो करेगा, तो ये कैसे वो काट हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे,
बी का वैल्यू चेंज तो करो, फिर एक्सेस करना चाहिए तो करो। मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ मैसेज डिस्प्ले ना कर लेना चाहता हूँ। देखो अब दूसरे वीडियोस में, दूसरे इसमें मैं कुछ दूसरे दूसरे स्टाइल्स में किया हूँ यही प्रोग्राम को। अब मल्टीपल एक्सेप्शन देखिए, यहाँ अर्थमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल करें और अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को भी हमें हैंडल करें। दो एरर ट्राई में दो तरह के एरर आने के चांसेस थे, इसलिए हमें कैच दो लिख लिए हैं, तो कैच लिख लिए। यहाँ पे आ गया मतलब कि अरे इंडेक्स ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन होगा, यहाँ आया इसका मतलब क्या है, वो इनवैलिड इंडेक्स एक्सेप्शन हुआ। तो इसमें एग्जांपल के किसके लिए, अर्थमेटिक एक्सेप्शन को एग्जांपल में लिख सकते हैं, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को एग्जांपल में लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं मल्टीपल हैंडलिंग मल्टीपल एक्सेप्शन यूजिंग मल्टीपल कैच ब्लॉक, इसके लिए भी ये एग्जांपल लिख सकते हैं। अब देखेंगे इसका नोट्स भी देख लेते हैं थोड़ा। ये सिंगल ट्राई ब्लॉक में हैव सेवरल कैच ब्लॉक्स, एक ट्राई को कितने भी कैच हो सकते हैं एसोसिएटेड विद इट, बट इट मस्ट हैव डिफरेंट एक्सेप्शन टाइप पैरामीटर्स। मगर एक को देखो, एक कैच को आप आर्थमेटिक एक्सेप्शन दिए थे, दूसरे कैच को अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दिए, दोनों को सेम टाइप का नहीं देना है। व्हेन एन एक्सेप्शन अकर इन ट्राई ब्लॉक द करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक दैट हैंडल दैट पर्टिकुलर एक्सेप्शन एग्जीक्यूट, कौन से कैच को जाएगा उसका करस्पॉन्डिंग कैच को जाएगा, दोनों कैच को तो नहीं जाएगा। अब उसका सिंटैक्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह ट्राई है, ये ट्राई में एरर आ गया, ये दोनों कैच अभी कितने भी कैचेस हो सकते हैं, देखो एन कैचेस है यहाँ पे, तो इसको एन लगाइए यहाँ पे, यहाँ पे तो एक्सेप्शन टाइप वन समझो इसे आर्थमेटिक एक्सेप्शन है, ये समझो आर्थमेटिक एक्सेप्शन टू है, ये आर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड टू होगा। ऐसा कितने भी कैच, एक ट्राई को कितने भी कैचेस हो सकते हैं, मगर ध्यान देना है कि पूरे नए एग्जीक्यूट होते हैं, जो उसका करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक रहेगा तो वहीं ट्रांसफर होगा कंट्रोल, वहाँ पे आपको उसे वो एरर को आप क्या सॉल्यूशन करना चाहते हैं और कर ले सकते हैं, मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं कर ले सकते हैं, या कुछ वैल्यू चेंज करके फिर कोड एग्जीक्यूट करा सकते हैं। यही है ये टॉपिक। थैंक यू।